दोस्तों, बॉलीवुड में हर दिन कई नए चेहरे नजर आते हैं, जिनमें से स्टार किड के लिए बॉलीवुड में जगह बनाना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, बल्कि वही एक आउटसाइडर को काफी ऑडिशन और रिजेक्शन के दौर से गुजरना होता है। आज हम आपको एक ऐसी ही आउटसाइडर शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक जायज मुकाम को हासिल किया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं क्यूट एंड टैलेंटेड एक्ट्रेस तारा सुतारिया के बारे में, जो सिंगर भी है, डांसर भी है। और एक्टिंग भी उन्हें खूब आती है। क्या हम ये एक और बार ट्राई कर सकते हैं प्लीज? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तारा सुतारिया की लाइफ से जुड़ी हुई कई ऐसी बातें जिन्हें शायद ही कोई जानता हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अपने तो देखा बता दे, जाऊं मैं आना। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 19 नवंबर 1995 को, जब मुंबई के एक पारसी परिवार में तारा सुतारिया का जन्म हुआ। तारा के पिता का नाम हिमांशु सुतारिया है, वही माँ का नाम टीना सुतारिया है। तारा की एक ट्विन सिस्टर भी है, जिनका नाम है पिया सुतारिया। तारा और उनकी बहन पिया ने एक साथ ही डांस सीखना शुरू किया था और दोनों ने रॉयल एकेडमी ऑफ डांस यूके से क्लासिकल बैलेट और मॉडर्न डांस सीखा है। बात करें अगर तारा की सिंगिंग करियर की, तो महज 7 साल की उम्र में ही अपनी माँ को फ्रेंच ओपेरा गाते देख तारा के मन में भी ओपेरा सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई और तभी से तारा ने ओपेरा सीखना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते तारा ओपेरा सिंगिंग में इतनी अच्छी हो गई कि उनके लिए गाने लिखे जाने लगे। तब तारा की उम्र महज 9 वर्ष थी। तारा ने इंडिया में और अब्रॉड में कई फिल्म्स और एडवर्टाइजमेंट के लिए गाने भी गाए और लंदन, टोक्यो और मुंबई में सोलो कॉन्सर्ट भी किए। इसके अलावा तारे जमीन पर और गुजारिश जैसी बड़ी फिल्मों में तारा ने बैकग्राउंड वोकल्स भी दिए हैं। सिंगिंग और डांसिंग में माहिर होने के बावजूद तारा ने अपनी पढ़ाई को कभी लाइटली नहीं लिया। तारा पढ़ाई में काफी अच्छी थी और वे मास मीडिया में ग्रेजुएट भी हैं। रुक करें अगर तारा के टीवी करियर की तरफ, तो तारा ने डिज्नी चैनल पर प्रसारित होने वाले टीवी सीरियल बिग बड़ा बूम में एज अ वीडियो जॉकी अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत की, जिसके बाद तारा को अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर इसी चैनल पर 2 और शोज मिल गए, द स्वीट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर एंड ओएचएससी। इन शोज से तारा को काफी अच्छी पॉपुलैरिटी मिल गई। इसके अलावा तारा कई छोटे मोटे शोज और साफी जैसी कई कमर्शियल एड्स में भी नजर आई। कॉन्फिडेंट फॉर लाइफ एंड सी यू नेक्स्ट वीक। साफी ने दिया मुझे कॉन्फिडेंस, मेरे सपने सच। इसके बाद भी तारा ने अपने आप को सीमित नहीं रखा और 13 साल की उम्र में वे पहुंच गई अपने टैलेंट का प्रदर्शन करने के लिए एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा शो में, जहां उन्होंने उस शो के जज अनु मलिक और फराह खान के सामने अपने सिंगिंग और डांसिंग का टैलेंट प्रदर्शित किया। हालांकि तारा को इस शो में सेलेक्ट नहीं किया गया, लेकिन फराह खान और अनु मलिक ने उनकी बहुत तारीफ की और कहा कि एक दिन तुम पॉपुलर इंटरनेशनल आइकॉन बनोगे। वो क्वालिटी है कि तुम इंटरनेशनल टैलेंट बन सकती हो, तो आई थिंक यू शुड ट्रेन योर वॉइस। तारा सुतारिया ने जिस तेजी से बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एक पहचान बना ली है, लगता है कि फराह खान की कही हुई बात कहीं ना कहीं सच होती नजर आ रही है। तारा सुतारिया ने फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में तारा के साथ अनन्या पांडे और टाइगर श्रॉफ भी नजर आए थे। फिल्म में तारा को मियाँ के किरदार में लोगों ने खूब पसंद किया। अपनी एक्टिंग और टैलेंट के दम पर तारा ने जल्द ही 2 और फिल्में अपनी छोली में डाल दी हैं, फिल्म मरजावा और तड़प।
तारा फिल्म मर्जावा में सिद्धार्थ मल्होत्रा के ऑपोजिट नजर आएंगी, जिसमें वे एक ऐसी लड़की की भूमिका निभा रही हैं जो बोल नहीं सकती लेकिन इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कह जाती हैं। जरा गौर से सुनोगे तो एहसास होगा कि हर एक चीज में म्यूजिक है। और फिल्म तड़प में तारा सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी के ऑपोजिट नजर आएंगी, जो कि इसी फिल्म से डेब्यू करने जा रहे हैं। आज तारा जिस तेजी से बॉलीवुड में अपनी जगह बना रही है, वो सब देखकर लगता है कि ये बॉलीवुड में एक लंबी इनिंग खेलेंगी। दोस्तों, सफलता एक रात में नहीं मिलती है, उसके पीछे न जाने कितने वर्षों की कड़ी मेहनत होती है। इसीलिए आप भी इसी तरह लगातार कड़ी मेहनत करते रहें, क्योंकि कोई भी चीज असंभव नहीं होती है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।